हेलो एंड वेल्कम टू पेंडुलम एडीयू। पेंडुलम एडीयू में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे 1 मई 2020 का। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है, अ स्लो फॉल इन बैरोमेट्रिक रीडिंग इज द इंडिकेशन ऑफ व्हाट। अब हम इसके ऑप्शंस देखते हैं, ए रेन, बी स्टॉर्म, सी क्लियर वेदर, डी हॉट वेदर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज रेन। अब हम इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक बैरोमीटर होता क्या है। ये जो बैरोमीटर होता है, इट इज़ अ एयर प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ओके, एंड इट आल्सो इंडिकेट्स चेंजेस इन वेदर कंडीशंस। अब ये चेंजेस इन वेदर कंडीशंस कैसे बताता है, क्योंकि इससे हम एयर प्रेशर मेजर कर सकते हैं। तो वो जो पैटर्न होता है एयर प्रेशर का, चेंज का, जो भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ जिस स्पेस पे, उसके बेसिस पे हम वेदर कंडीशंस में हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि कैसे, किस कंडीशन पे क्या प्रेडिक्शन करी जाती है। अ स्लो फॉल इन बैरोमेट्रिक रीडिंग इंडिकेट्स दैट द वेदर विल बी रेनी वेदर। इसका मतलब है कि जब भी स्लो फॉल होता है बैरोमेट्रिक रीडिंग में, या एयर प्रेशर में स्लो फॉल होता है, तब वो इंडिकेट करता है कि वो रेनी वेदर होने वाला है। और अ सडन फॉल इन बैरोमेट्रिक रीडिंग इंडिकेट्स दैट द वेदर विल बी स्टॉर्मी वेदर। और अगर सडनली कोई फॉल होता है बैरोमेट्रिक रीडिंग में या एयर प्रेशर में, तो उसका इंडिकेशन ये होता है कि स्टॉर्मी वेदर आने वाला है। अ स्लो राइज इन द बैरोमेट्रिक रीडिंग इंडिकेट्स दैट द वेदर विल बी क्लियर। अगर जो बैरोमेट्रिक रीडिंग है, एयर प्रेशर की रीडिंग है, वो स्लोली इंक्रीज करती है, स्लोली राइज करती है या ग्रेजुअली जाती है, तो उसका मतलब होता है कि वेदर क्लियर रहने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एसएससी के एग्ज़ाम में। साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, सीडीएस के एग्ज़ाम में भी आते हैं, और कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो पर कमेंट करें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, और अपनी चैनल पेंडुलम एडीयू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।